गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जनता दल सेकुलर की जानिब से सिटी और तमाम तालुका में प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए हैं। गुलबर्गा जेडीएस पार्टी ऑफिस में तमाम डिस्ट्रिक्ट से पार्टी लीडर्स और वर्कर्स की मौजूदगी में गुलबर्गा नॉर्थ, साउथ और सेवड़ा मलंद, अफजारपुर, चिंचोली और दीगर तालुका में प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए कहा गया, एक्स चीफ मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी की जानिब से वार्ड कमेटी से लेकर स्टेट कमेटी तक तमाम जेडीएस वर्कर्स को लीडर बनाने की मुहिम का आगाज किया गया है। आज गुलबर्गा शहर में जनता दल पार्टी में हैदराबाद कर्नाटक से हमारे इंचार्ज आए थे, बेंगलुरु से तिम्मा पुरले साहब और मैडम, यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ पूरे 8 असेंबली के प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। उसी में हमारे नॉर्थ में आनंद पाटिल साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया और मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। तो हम आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अपने पूरे प्रोग्राम्स को पार्टी जो देती है वो काम करेंगे और आने वाले दिनों में हम कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जिताकर यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर बनाएंगे और जनता दल पार्टी का झंडा लहराएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद, एचडी कुमार स्वामी जी, देवेगौड़ा साहब को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बंडप कुमार स्वामी जी और हमारे ज़िले के सारे जिम्मेदारान ने मुझे एक मौका दिया है कि जनता दल सेकुलर तालुका सेडम का सदर मुंतखब कर मुझे वो जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज बागात जैसे एक नौजवान कायद इस पार्टी में ख़दम रखने के बाद अल्लाह का करम है कि जनता दल फिर से एक बहुत ताकतवर पार्टी बनकर उभर रही है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम रात दिन मेहनत करेंगे बिला मजहब मिल्लत, और हमारे बागा साहब को हम अपना लीडर चुने हैं, इंशाल्लाह वही लीडर हमारे रहेंगे। उनको जो है चुनकर हम असेंबली भेजने तक हम जो है ना अपना दम नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह। एक कहावत है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो आज का दिन हमारे वास्ते बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे पास जो है पूरे 9 तालुका के जो है उसमें से 9 जो है आज जो है तालुका अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट जो है हमारा तिमाया जो गुलबर्गा के ऑब्जर्वर हैं तिमाया पुरले साहब और एलिन जान मटपटित जो मैडम हैं, दोनों ऑब्जर्वर जो है 4-5 महीने से जो काम करे थे पूरा तालुका जाके वहाँ पर जो वर्कर्स को और लीडर्स को वहाँ के आइडेंटिफाई करके आज उनको पोस्ट देने का काम आज पार्टी जनता दल सेकुलर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आज उनको दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो पोस्ट पर आज जो जिसको नॉमिनेट करे हैं ये लोग जाके तालुका के अंदर वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी बनाने का काम करेंगे। आज तक भी जो है अब तक बूथ कमेटी वार्ड कमेटी हमारे पास नहीं बने थे। ये कुमारणा का कॉन्सेप्ट है जो नीचे बूथ कमेटी से लेके वार्ड कमेटी से लेके स्टेट तक एक चेन सिस्टम बना रहे, हर तालुका में एक वर्कशॉप डाल के वहां पर ट्रेन करने का काम करें वर्कर्स को कि भाई ट्रेन करना, ट्रेन करके उनको लीडर बनाने का काम कोई पार्टी नहीं करी। हमारे कुमारणा जो है आज इस मुकाम गांव तक जाके गांव के अंदर वर्कर्स को ट्रेन करके उनको एक लीडर बनाने का काम कोई कर रहे हो तो हमारे कुमार स्वामी साहब और देवगढ़ साहब कर रहे हैं। गुलबर्गा जिले नमद 9 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन इवत अध्यक्ष उपाध्यक्ष इवतु आय्के इवतवरी मनस्पूर्वक धन्यवाद नानक इष्टपड़ी इवत नम तिम्मय्य पुर्ले जॉन मैडम इवत सुमार तिंत भाग बूथ मटद सर्वे इवत अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहा क्षेत्र का स्ट्रांग केस अंतवि आय्के घोषणा इवत हईकमांड आदेश मेले इवत इू नमद इवती प्रारंभ स्टार्ट आगे इवत बर कॉर्पोरेशन मत जिला पंचायत तालूका पंचायत इवती जोश्लिंत अध्यक्षर उपाध्यक्ष मत नम विधानसभा अभ्यर्थी यार आकांक्षी इवतेल रीतल इवत मुद्दे दिन कॉर्पोरेशन मेयर डेप्टी मेयर नम पक्षद आगत नमगो दौड़ शक्ति कण पड़ता है। और पुराना भी हमारा अध्यक्ष जो जगन्नाथ गौडर थे उन्होंने भी अच्छा काम किए, 2.5 साल हो गए बोल के एक बदलाव आना क्या सबको मौका मिलना चाहिए और सब क्या है सब जात वालों को लेकर चलने वाला जैसा एक पक्ष कौन सा भी है बोले तो वो हमारा जेडीएस पक्ष है। जैसा अभी इकबाल खान साहब बताए उस हिसाब से हम सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे, यहाँ कौन भी
बड़ा नहीं है ना छोटा नहीं है, पूरा हमारा पक्ष एक ही है और मैं अकेले अभ्यर्थी नहीं हूँ, पूरा हमारा पक्ष का और हमारा वोटर पूरा अभ्यर्थी समझकर हम लोग काम करने का एक जुट लिया है। और आगे आने वाले जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनाव से पहले ये घोषित किया गया है कि हमारा अध्यक्ष इकबाल खान साहब है और का उपाध्यक्ष हमारा साहब रेड्डी साहब है, शिवराम रेड्डी साहब है। ये एक अच्छा एक न्यू चेंजेस है, सब लोगों को एक और एक सबको मौका देना चाहिए। वो हिसाब से पक्ष में विपक्ष वाले का जो वरिष्ठ लोग है काम कर रहे हैं, हम भी बहुत खुश है और आगे चलकर इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे। गुलबर्गा जिले विधानसभा मत क्षेत्र तालूका अध्यक्ष घोषणे माड़ोदक्कागि इवत्तु नावु इब्बरु वीक्षकरु कल्याण कर्नाटक जातीत जनता दल वीक्षकराद नानु तिम्मय्यपुर्ले जोतेगे नन्न जोते इन्नोब्बरु वीक्षकरु ऐलिन जान मडपति मैडम अवरु नम्म जोते अवरु कूड सततवागि नाकैदु तिंगळवरेगे इल्लि नावु केलस माडिद्देवु। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸೂರನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜನತಾ ದಳದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಟಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅಲಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಎರಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ತರ್ತಿದ್ರು, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 9 ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹಕತೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಗಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಏನದಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನನಗನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ರೈತರು ಓಟು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಬಹುಮತವನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಿಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2023 ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಲಿಂಜಾನ್ ಮಠಪತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.